हेलो दोस्तों जय हिंद कैसे हो आप सभी लोग अभी आ, कल एग्ज़ाम होने वाला है सी पी सी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का इसके लिए कुछ लास्ट मिनट टिप्स आ, मैं आपको देना चाहूँगा और आ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग जो आ, पेपर वन का और पेपर टू का एनालिसिस है इमिजिएटली एग्ज़ाम के बाद लेके आएंगे आप इवन दो एग्ज़ाम के बाद दे दोगे हम लोग एनालिसिस लो पेपर वन का विद आंसर की साढ़े बारह बजे स्टार्ट कर देंगे तो जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो जाता है एनालिसिस पक्का देख लीजिएगा अनकेडमी डिफेंस गुरुकुल ये जो चैनल है यूट्यूब का उसके ऊपर अन एकेडमी के सारे एजुकेटर्स उसके ऊपर जो आपका आंसर की है वो प्रोवाइड करेंगे अभी कल के एग्ज़ाम के लिए क्या क्या करना है उसके लिए आते हैं आज रात को अच्छे से खा के सो जाइए जितना जल्दी पॉसिबल है उतना जल्दी सो जाइए कल सुबह छः सात बजे उठ के एग्ज़ाम सेंटर से पहुँचने से पहले या एग्ज़ाम सेंटर के आसपास ब्रेकफास्ट पक्का कर लीजिएगा ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे ब्रेन को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए रहता है तो अच्छा ब्रेकफास्ट कर लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे एग्ज़ाम आते हैं संडे को तो ब्रेकफास्ट अवेलेबल नहीं रहता आजू बाजू में बाहर कहीं पे पॉसिबल है तो लेके जाइए अगर कुछ नहीं मिलता है तो बिस्किट एक अच्छा काम कर सकता है आपका एनर्जी सोर्स करके पहला वाला पेपर जब आप सॉल्व कर रहे हैं पहले वाले पेपर में आप सिक्वेंशियली पेपर अटैम्प्ट कर लीजिए और मैं रिकमेंड करूँगा इमिजिएटली मार्क कर दीजिए पेपर वन जो है हमारा ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही मार्क करना है ओ एम शीट वाला एम वाला आइडियल अटैम्प्ट आपका नाइन्टी टू हंड्रेड होना चाहिए उससे ज़्यादा भी हो जाता है अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है जितना अटैम्प्ट होता है उतना कर लीजिए उसमें भी जब तीन स्टेज में दो स्टेज में आप पेपर वन अटैम्प कर लीजिए सबसे पहले सीक्वेंस में जाइए पहले पेपर से क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक ताकि आपका सारा पेपर एक बार पढ़ के हो जाए और जो क्वेश्चन आपको आता है वो इमीडिएटली ओएमआर शीट में भी आपका जो पेपर वन है जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर इमीजिएटली टिक कर दीजिए कि ये क्वेश्चन मैंने कर लिया है आंसर के ऊपर टिक कर लीजिए ओ शीट में उसके ऊपर सर्कल कर लीजिए अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है या आपको पता है कि ये मुझे आने ही नहीं वाला कोई क्लैरिटी नहीं है तो उसका जो क्वेश्चन नंबर है उसके ऊपर क्रॉस कर दीजिए ताकि आपको बाद में टाइम बचेगा और कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ इसका फिफ्टी फिफ्टी परसेंट है तो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट वाले क्वेश्चन में क्या करना है फिफ्टी फिफ्टी परसेंट वाले क्वेश्चन को आप उसके ऊपर क्वेश्चन के नंबर के ऊपर सर्कल कर लीजिए और जो ऑप्शन आपको पता है कि आप हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंस के साथ एलिमिनेट कर सकते हो सपोज सी और बी ये दो ऑप्शन है आपको पता है कि ये तो है ही नहीं बी भी नहीं है सी भी नहीं है ए और सी के बीच में कुछ था तो बी के ऊपर क्रॉस कर लीजिए सी के ऊपर क्रॉस कर लीजिए और वो क्वेश्चन आप ओ एम शीट में मार्क बिल्कुल मत कीजिएगा वैसे ही रहने दीजिए ऐसा पहले क्वेश्चन से लेके 125 ट्वेंटी क्वेश्चन तक चले जाना है इससे क्या हो जाएगा आप जब ओ एम आर शीट पहला रीडिंग जनरली आपका 50 टू 60 मिनट्स में फर्स्ट रीडिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है सारा हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन अटैम्प करके इसमें आपने फिफ्टी फिफ्टी परसेंट वाले जो क्वेश्चन है वो अटम्प नहीं किए और इसमें आपने जो आपको नहीं आते हैं उसको भी मार्क नहीं किया तो एम आर शीट में जितने आपके डॉट हो गए वो डॉट्स को आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको अंदाजा आ जाएगा आपको चालीस पचास साठ सत्तर जितने क्वेश्चन आप हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंस के साथ आपने कर लिया वो करने के बाद आपको क्या करना है इसके बाद सेकंड राउंड uh, शुरू कर देना है सेकंड राउंड में क्या करना है आपको सेकंड राउंड में जो आपने सर्कल किए हुए हैं जो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट वाले वो सारे अटेम्प्ट कर लीजिएगा uh, क्योंकि अगर आपने ठीक से एलिमिनेट किया है आपको पक्का पता है कि दो ऑप्शन एलिमिनेट किए हैं तो वो क्वेश्चन के दो ही ऑप्शन आपके बचते हैं और वो दो ऑप्शन में आपका फिफ्टी चांस रहता है स्टेटिस्टिकली करेक्ट होने का गलत भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है एक्चुअली अगर आप फिफ्टी फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन में सात क्वेश्चन गलत हो गए और सिर्फ तीन क्वेश्चन सही हो गए तो भी आप पॉजिटिव में रहते हो क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग जो है यह सिर्फ वन थर्ड रहता है इसीलिए इवन विथ ओनली थ्री क्वेश्चन करेक्ट आउट ऑफ फिफ्टी फिफ्टी एंड सेवन क्वेश्चन आप फिर भी पॉजिटिव में रहते हो इसलिए फिफ्टी फिफ्टी परसेंट वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए लेकिन इसमें आपका जुडिशियसली आपका जो इंटेलिजेंस है आपका जो जजमेंट है उसको पक्का इस्तेमाल कर लिया जाएगा Uh, जैसे अब तक देखा गया है पिछले दस साल में कट ऑफ रेयरली वन ट्वेंटी फाइव के ऊपर गया है दो हज़ार इक्कीस ट्वेंटी ट्वेंटी वन वॉज द ओनली एग्जामिनेशन जिसका कट ऑफ वन ट्वेंटी फाइव प्लस मतलब फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा गया है सो so अगर आप कहीं पे भी एंड uh, वो टाइम पे सबसे कम वैकेंसीज uh, uh, थे यू में हंड्रेड एंड फिफ्टी नाइन वेकेंसीज थे सिर्फ ऐसा वाला 125 के आसपास जो कट ऑफ गया है हंड्रेड एंड सेवेंटी वेकेंसीज दो में थे तब गया है लेकिन जनरली 300 प्लस वेकेंसीज जब रहता है तो ऐसा देखा गया है कि कट ऑफ इन जनरल 120 से नीचे आता है तो अगर आप 130, 125, 130 अगर आप अटैप्ट कर पाते हो तो उसके बाद अननेसेसरी बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिए अराउंड 10, 15, 20 क्वेश्चन जिसमें आपको कॉन्फिडेंस से वो अटैम्प्ट कर लीजिए लेकिन कभी भी जो पेपर वन में क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता वैसा एक भी क्वेश्चन आप अटें मत कर लीजिए ये बहुत रिस्की है निगेटिव जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है एक बार पेपर वन ख़त्म हो जाए तो आपको बारह बजे ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको दो घंटे का ब्रेक है उसमें खा लीजिएगा पक्का खाना बहुत ज़रूरी है अगर और कुछ नहीं खा रहे हैं तो बिस्किट खा लीजिए चिप्स खा लीजिए लेकिन अदरवाइज़ आजू बाजू में ऑयली वगैरह कुछ मत खाइएगा डेढ़ बजे वन थर्टी को आप फिर से एग्जाम सेंटर में आपका एंट्री हो जाता है तो वन थर्टी को आप चाहिए तो फिर से वन थर्टी को वन फोर्टी तक तो वो एंट्री करा लेते हैं तो चले जाइए जाते वक्त अगर आपको लगता है कि नींद आता है या रात को सोके नहीं हुआ है तो आप पहले से ही आज ही इकट्ठा करके रेड बुल या ऐसा कुछ तो स्टिमुलेटिंग ड्रिंक कोई भी जैसे कि या फिर कोई भी कैफ़ीन या कॉफ़ी आप साथ में लेके आप पी सकते हो वो थोड़ा सा आपको एनर्जी देगा लेकिन ऐसा कभी मत कीजिएगा कि आपको जो पेपर टू के बीच में और पेपर वन के बीच में बिल्कुल खाना नहीं खाया ब्रेक रहता है तो वो ब्रेक में खाने के लिए तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है अगर आपको थोड़ा बहुत थकावट महसूस होता है तो कहीं ना कहीं पे तो छोटा पंद्रह बीस मिनट का नैप भी ले लीजिएगा एंड पेपर टू के डेटा इंडाई जो आपने रक, नोट्स निकाले हुए हैं टाइम मिलता है अगर आपको नोट्स लेने का परमिशन मिला है या बाहर आपने रखे हुए हैं तो वो डेटा एंडास रैंकिंग कॉन्स्टिट्यूशन तो के कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स करंट अफेयर एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए जिसको पेपर टू में आप इस्तेमाल कर सकते हो पेपर टू कुछ भी हो जाए तो स्टिकली स्ट्रिक्टली स्टिक टू द टाइमिंग हर एक ऐसे बीस मिनट में कंप्लीट करना है मिनट में ट करना है रिपोर्ट दस मिनट में कम्प्लीट करना है ग्रामर दस मिनट में कम्प्लीट करना है प्रेसी राइटिंग पंद्रह मिनट में कम्प्लीट करना है रीडिंग कॉम्परिशन पंद्रह मिनट में कंप्लीट करना है अगर ऐसा आपने किया तो आपका वन सेवेंटी मिनट्स में पेपर कम्प्लीट होगा जो पेपर के लिए आपको तीन घंटे यानी वन एटी मिनट्स हैं तब जाके दस मिनट आप कहीं कही ना कहीं पे तो कुछ तो कर सकते हो पेपर टू तो के बारे में बहुत सारे अन्य सारे डाउट्स आते हैं कि ब्लैक पेन से लिखे या ब्लू पेन से लिखे सच्चाई तो यह है कि ओ पी ने नोटिफिकेशन में ब्लू पेन से लिखने के लिए बोला है हॉल टिकट में आपके लेकिन आ, वो मेनली पेपर वन के ओ एम आर शीट के इंस्ट्रक्शन से पेपर टू के लिए अलग से इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं है तो इसकी वजह से यू कैन यूज ब्लू पेन यू कैन यूज जेल पेन ब्लू और ब्लैक पेन कोई भी चलेगा जेल पेन भी चल जाएंगे बॉल पॉइंट पेन भी चल जाएगा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दोनों के दोनों पेन साइमल्टेनियसली इस्तेमाल मत कीजिएगा ब्लू और ब्लैक छोड़ के और कोई कलर इस्तेमाल मत कीजिएगा उसके सिवा आप पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पॉसिबल है पेपर टू के इसमें ऐसे में वगैरह वगैरह मैप निकाल सकते हो तो निकालो आपको चार्ट्स आते हैं बनाने तो बना दीजिए थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखा दीजिए कोशिश कीजिए कि पेपर टू के आंसर में पर्सनालिटीज़ को इन्वॉल्व करें फ्रीडम फाइटर्स को इन्वॉल्व करें सोशल रिफॉर्मर्स को इन्वॉल्व करें कोर्ट्स को इन्वॉल्व करें इंटरनेशनल uh, ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को हर एक ऐसे में कहीं ना कहीं पे तो जहाँ पे भी पॉसिबल है कॉन्स्टिट्यूशन के भी कोई भी चीज़ों को आर्टिकल्स को अमेंडमेंट्स को इस्तेमाल कीजिए uh, आप गवर्नमेंट के स्कीम्स को इस्तेमाल कर दीजिए इनिशिएटिव्स को इस्तेमाल कर दीजिए तब आपका ऐसे थोड़ा सा रिच होगा और कॉन्क्रीट होगा ऐसे इज आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट और टेंशन बिल्कुल मत ले लीजिएगा आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया है यू डू नॉट है आ गया तो आ गया तो तो सबके लिए टफ आएगा सो so, इसके लिए कुछ लोग पेपर छोड़ के पेपर वन चले जाते थे ये सब कुछ भी नहीं करना your best shot, paper one कैसे भी जाए एक बार पेपर वन खत्म हो गया आपको वो मेंटालिटी से बाहर निकलना है आंसर की नहीं देखना है आंसर डिस्कस नहीं करना है दोनों पेपर खत्म होने से पहले तो आंसर बिल्कुल डिस्कस नहीं करना है दोस्तों से बातें नहीं करनी है चुपचाप खाना खा लो थोड़ा सा रेस्ट ले लो एंड रिवाइज करना है तो रिवाइज कर लो ठीक है पेपर टू पूरा कंप्लीट करने के ऊपर ध्यान दे दीजिएगा आप जानते होंगे हमारे ऑल इंडिया रैंक टू ऑल इंडिया रैंक थ्री ये लोग ने भी यही सेम सलाह दी थी ये मेरे स्टूडेंट है आप ही की तरह थे ये लोग भी तो जो काम है उसको कंप्लीट कर दीजिए विदाउट एनी एंगजाइटी विदाउट एनी टेंशन एंड बिंदास रहेगा आई एम वेरी श्योर कि आपको पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा मैंने जो मॉडल आंसर्स दिए हैं एक्सपेक्टेड टॉपिक्स दिए हैं इसी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे यू विल बी सरप्राइज जिन्होंने मेरे साथ पिछले uh, कई दिनों से प्रैक्टिस किया है ऑल ऑफ यू विल बी वेरी प्लीजेंटली सरप्राइज कि यार सर ने बता दिया और एग्ज़ाम में आ गया एंड यू विल भी वेरी हैप्पी एंड डोंट वरी वेकेंसीज बहुत अच्छे है इसमें और भी बढ़ सकते हैं थ्री ट्वेंटी टू ऑलरेडी बहुत अच्छे वेकेंसीज है और भी वेकेंसीज बढ़ सकते हैं सो जस्ट भी पॉजिटिव आपका कॉम्पिटिशन इस बार कम है एंड जस्ट गिव योर बेस्ट शॉर्ट जनरली ऐसा जब होता है कॉम्पिटिशन कम है वेकेंसीज ज़्यादा है जैसे कि और दूसरी जगह पर भी वेकेंसीज ज़्यादा है तो आपके कॉम्पिटेटर दूसरी जगह पर भी चले जाते जैसे सिविल सर्विसज में वेकेंसी ज़्यादा थी ई पी एफ ओ आ गया तो आपके बहुत सारे सीरियस जो कैंडिडेट्स हैं वो उधर भी चले जाएंगे सो so, आपको इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है जस्ट गिव यू बेस्ट शॉट एंड विश यू ऑल द बेस्ट अन अकेडमी डिफेंस गुरुकुल जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर हम लोग इमिडिएटली आंसर की लेके आएंगे जैसे आपका पेपर होता है आप एक बार चेक कर लीजिएगा उसमें हम लोग जो कट ऑफ वगैरह होगा ये सारी चीज़ें डिस्कस भी करेंगे एंड जो लोग अगले साल के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं 2024 के लिए उनके लिए हमारे 10 तारीख से नया बैच भी शुरू हो रहा है आप चाहते हो तो उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो ठीक है चलिए ऑल दी बेस्ट टेक केयर जय हिंद